हेलो स्टूडेंट, आईटीआई वाला नॉलेज का ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग ट्रेड थ्योरी में एक चैप्टर शुरू किया था इल्यूमिनेशन प्रदीप्ति, उसमें हम लोग आज का जो टॉपिक है वो इल्यूमिनेशन फैक्टर प्रदीप्ति के कारक, कौन कौन से प्रदीप्ति के कारक हैं उसको आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले इसका कितने कारक हैं, इसके हम तीन कारक आपको हम डिस्कस करेंगे। पहला है स्पेस हाइट रेशियो। क्या है स्पेस हाइट रेशियो? स्थान ऊंचाई अनुपात। दूसरा है यूटिलाइजेशन फैक्टर। और तीसरा है डिप्रिसिएशन फैक्टर। डिप्रिसिएशन फैक्टर, इसको स्पेस हाइट रेशियो को हिंदी में बोलते हैं स्थान ऊंचाई अनुपात। स्थान ऊंचाई अनुपात और यूटिलाइजेशन फैक्टर को हम लोग बोलते हैं उपयोगिता गुणांक। उपयोगिता गुणांक गुणांक और डिप्रिसिएशन फैक्टर हम लोग उसको बोलते हैं अवपात गुणांक। अवपात गुणांक। तो ये तीन टॉपिक को हम लोग वन बाय वन करके कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे स्पेस हाइट रेशियो, ऊंचाई स्थान ऊंचाई अनुपात, इसको सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे। तो ये इल्यूमिनेशन फैक्टर का पहला फैक्टर है, इस फैक्टर पे भी इल्यूमिनेशन डिपेंड करता है। तो सबसे पहले समझते हैं स्पेस हाइट रेशियो। किसी स्थान या किसी कक्ष में प्रकाश व्यवस्था की आप स्थापना करते हैं तो उस समय क्या होता है, हम लोगों को इसका खास ध्यान देना होता है स्पेस हाइट रेशियो का। और ये पर्याप्त इसलिए ध्यान देना पड़ता है क्योंकि अगर स्पेस हाइट रेशियो मेरा अनबैलेंस रहेगा तो मेरा जिस स्थान है जिसमें हम प्रकाशित कर रहे हैं उसमें क्या होता है, जगमगाहट जो उसका होता है वो कम होता है, जो लाइटनिंग जो होता है वो प्रदीप्ति कम होता है। तो इस रेशियो को मेंटेन करने के लिए कौन कौन से, इसमें भी किन किन बातों पर निर्भर होता है कि इसका हाइट लाइट लगाएं उसे कितना ऊपर होना चाहिए कितना नीचे होना चाहिए, ये सब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्पेस हाइट रेशियो में हम लोग दो तीन कारक इसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस किस पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले निर्भर करता हाइट ऑफ लाइट सोर्स फ्रॉम प्लेन। क्या हाइट ऑफ लाइट सोर्स फ्रॉम प्लेन, प्रकाश स्रोत की तल से ऊंचाई। क्या प्रकाश स्रोत की तल से ऊंचाई, प्रकाश स्रोत की तल से ऊंचाई, प्रकाश स्रोत दो है वो तल से कितना ऊंचाई में होना चाहिए, ये पहला ये स्पेस हाइट रेशियो का कारक है, इस पर भी डिपेंड करता है। और दूसरा है इल्यूमिनेशन एरिया ऑफ सरफेस। दूसरा क्या है, इल्यूमिनेशन एरिया ऑफ सरफेस, इसको हम लोग इसका फिर डिस्कस करेंगे क्यों क्या होता है। इल्यूमिनेशन एरिया ऑफ सरफेस का मतलब हुआ कि प्रकाशित होने वाले तल का क्षेत्रफल, प्रकाशित होने वाले तल का क्षेत्रफल। और उसके बाद हम लोग देखेंगे लाइट मेथड।
किस तरह से लाइट मेथड यूज़ होता है उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे कलर ऑफ रूफ एंड वॉल। मेरा कलर ऑफ रूफ कैसा होगा, जिसके ये भी बहुत बड़ा इसका इस बात पर निर्भर करता है स्पेस हाइट रेशियो में। अगर डार्क यूज़ करते हैं रूफ या वॉल को यूज़ करते हैं तो क्या होता है, इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। उसका नेक्स्ट क्या अभी बताया मैंने, कलर ऑफ रूफ एंड वॉल की किस तरह का कलर होना चाहिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हाइट ऑफ लाइट सोर्स फ्रॉम प्लेन, कि प्रकाश स्रोत को तल से एक उपयुक्त ऊंचाई पर ही स्थापित करना चाहिए। अगर उसे ज़्यादा ऊंचाई पर अगर स्थापित करते हैं तो क्या हो सकता है, जो मेरा लाइट इंटेंसिटी है, प्रदीप्ति तीव्रता होता है, वो सब जगह एक समान नहीं होता है। अगर इस रेशियो को मेंटेन नहीं करेंगे तो उस रूम मेरा सही से लाइटनिंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ऊंचाई जैसे जैसे अगर बढ़ जाता है तो उसका क्या हो सकता है, जैसे अभी बताया मैंने प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो घट जाती है। तो अगर ज़्यादा ऊंचा करेंगे तो नीचे उस तरह का लाइट व्यवस्था ये दिखाई नहीं देगा। तो अब इसके बाद आते हैं इल्यूमिनेशन एरिया ऑफ सरफेस। जिस सरफेस पर इल्यूमिनेशन एरिया मतलब कि जिस सरफेस जिस तल पर प्रकाश स्रोत से प्रकाशित करना है वो कितना क्षेत्रफल है, उस हिसाब से उसमें स्रोत प्रकाश स्रोत को यूज़ करेंगे। अगर बड़ा रूम है तो एक प्रकाश स्रोत से मेरा काम नहीं चलेगा, उसके लिए उस रेशियो में हमको बल्ब को यूज़ करना पड़ेगा, प्रकाश स्रोत को यूज़ करना पड़ेगा उस पूरे सरफेस को प्रकाशित होने के लिए। लाइट मेथड, उसके बाद लाइट मेथड हम लोग इस लाइट मेथड में अब नॉर्मल अभी जानेंगे कि होता क्या है, कि जब कभी लाइट मेथड मतलब होता है कि जब स्रोत जो है स्रोत का किस तरह से व्यवस्था किया गया है, किस तरह उस स्रोत जो बल्ब यूज़ होता है किस तरह का बना हुआ होता है, प्रत्यक्ष अर्ध प्रत्यक्ष इत्यादि, इसको हम जब हम लाइटिंग सिस्टम मेथड पढ़ेंगे ना हम लोग कि कैसे प्रकाश व्यवस्था को व्यवस्थित करते हैं उसमें हम लोग 3-4 और पढ़ेंगे। इसलिए इसमें केवल उस व्यवस्था का ही केवल हम बता रहे हैं, डिटेल में आगे इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट है कलर ऑफ रूफ एंड वॉल, छत एवं दीवार का रंग कैसे होना चाहिए। अगर छत और दीवार का रंग डार्क है तो क्या होता है, डार्क गहरे रंग होने से ज़्यादा ही लाइट अवशोषित करेगा और रिफ्लेक्ट कम करेगा, तो जो जगमगाहट जो है उस रूम में कम मिलता है। इसलिए हम लोग अगर डार्क के जगह लाइट कलर यूज करते हैं तो क्या हो, ज़्यादा शाइनिंग करता है। तो ये स्पेस हाइट रेशियो का कुछ कारक थे जिसको मैंने अभी आपको बताया। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट यूटिलाइजेशन फैक्टर, उपयोगिता। नेक्स्ट जो मैंने लिखा था सेकंड में, ये तो फर्स्ट हो गया, अब सेकंड में हम लोग यूटिलाइजेशन फैक्टर उपयोगिता गुणांक को देखेंगे। तो यूटिलाइजेशन फैक्टर उपयोगिता गुणांक क्या होता है, इस इल्यूमिनेशन फैक्टर में किससे डिपेंड करता है, इसको क्या होता है कैसे होता है इसको हम लोग समझेंगे। तो किसी भी कक्ष की प्रकाश व्यवस्था में उपयोग किए गए प्रकाश तथा उत्पन्न किए गए प्रकाश का अनुपात उपयोगिता गुणांक कहलाता है। इसको हम नॉर्मल भाषा में कहें कि कोई भी प्रकाश व्यवस्था में हम लोग कितना प्रकाश को उपयोग किए और कितना उत्पन्न हुआ, इसका रेशियो को हम लोग उपयोगिता गुणांक बोलते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, उपयोगिता गुणांक इक्वल टू क्या है बेसिकली, किस किस का रेशियो, उपयोग किया गया प्रदीप्ति पुंज, क्या है उपयोग किया गया प्रदीप्ति पुंज डिवाइडेड बाय उत्पन्न किया गया प्रदीप्ति पुंज, उत्पन्न किया गया प्रदीप्ति पुंज, कितना उत्पन्न किया गया है
उत्पन्न किया गया प्रदीप्ति पुंज। इस रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, उपयोगिता गुणांक बोलते हैं। तो ये तो छोटा सा था, जनरली डिफाइन करना था उपयोगिता गुणांक क्या है। तो उपयोगिता गुणांक होता है किस किस का रेशियो, रेशियो बिटवीन उपयोग किया गया प्रदीप्ति पुंज, कितना प्रदीप्ति पुंज उपयोग किया गया और कितना उत्पन्न किया गया, इसका रेशियो, इसका अनुपात हम लोग क्या बोलते हैं, उपयोगिता गुणांक बोलते हैं। अब हम लोग थर्ड प्रकार का इलिमिनेशन फैक्टर में जाएंगे। वो थर्ड प्रकार क्या था, डिप्रिसिएशन फैक्टर, अनुपात गुणांक। तो चलिए देखते हैं डिप्रिसिएशन फैक्टर, अनुपात गुणांक क्या था, अनुपात गुणांक। ये अनुपात गुणांक क्या होता है, ये एक रेशियो होता है, ये भी किससे किसके बीच। इससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि डिप्रिसिएशन रेशियो होता क्या है। जब क्या होता है कि ट्यूबलाइट बहुत दिनों के बाद गंदा हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है कि उससे कम लाइट मुझे देता है, ट्यूबलाइट हो या फिर सीएफएल बल्ब, कुछ लोग प्रकाश स्रोत को यूज़ करते हैं, तो क्या हो जाता है, गंदे हो जाने पर या दीवारों पर धूल अगर चिपक जाता है तो क्या लाइट का रिफ्लेक्शन कम हो जाता है, जिसके कारण स्रोत से जितना प्रकाश मुझे मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं कि कितना मिलना चाहिए अगर साफ कर देते हैं और पहले नॉर्मल यूज़ करते हैं, ये दोनों का ही रेशियो होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं अनुपात गुणांक। तो इसको कैसे लिखते हैं, अनुपात गुणांक, अनुपात गुणांक होता है सब वस्तुएं साफ होने पर प्रदीप्ति, जितने सारे वस्तुएं, अभी जैसे मैंने बताया कि दीवार का थोड़ा गंदा हो जाए रिफ्लेक्शन कम हो जाता है, लाइट बल्ब में क्या होता है अगर उसको साफ नहीं करेंगे तो क्या होता है, डस्ट बैठ जाता है, जिसके कारण उसका लाइट जो होता है, प्रकाश जो होता है कम निकलता है। तो इसी का हम लोग क्या करते हैं, रेशियो कैसे निकालते हैं, सब वस्तुएं साफ होने पर प्रदीप्ति, सब वस्तुएं साफ होने पर प्रदीप्ति, सब वस्तुएं साफ होने पर प्रदीप्ति डिवाइडेड बाय वास्तविक अवस्था में प्रदीप्ति, वास्तविक अवस्था में प्रदीप्ति क्या है, वास्तविक अवस्था में प्रदीप्ति। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अनुपात गुणांक बोलते हैं। जनरली जो अनुपात गुणांक का मान प्रायः जो होता है 1.2 से 1.4 के बीच होता है, अनुपात गुणांक जो होता है जनरली 1.2 से 1.4 के बीच होता है। अब हम लोग देखेंगे भिन्न भिन्न स्थानों के लिए आवश्यक न्यूनतम प्रदीप्ति कितना कितना होना चाहिए, इसको हम आपको हम बता देते हैं। जैसे कार्यशाला, होटल, ऑपरेशन थिएटर, ड्राइंग कच, स्टोर कच, गैलरी, शोरूम, इस सब में कितना कितना ही न्यूनतम प्रदीप्ति मान होना चाहिए, कितना लक्स में होना चाहिए। तो कार्यालय के लिए हम लोग जनरली 85 लक्स का यूज़ करते हैं, बैंक हुआ, कार्यशाला हुआ, लाइब्रेरी हुआ, उसको हम लोग 130 लक्स का यूज़ करते हैं। उसी प्रकार ऑपरेशन हुआ तो ऑपरेशन कक्ष, ऑपरेशन थिएटर में कितना यूज़ करते हैं, 160 से 250 के बीच में हम लोग यूज़ करते हैं। ड्राइंग रूम में जनरली होना चाहिए 250 टू 500 लक्स, और शोरूम हुआ, डिपार्टमेंटल स्टोर हुआ, ये सब के लिए 160 लक्स काफ़ी होता है। और एक लक्स इक्वल टू होता है 1 लूमेन पर मीटर स्क्वायर, क्या होता है, एक लक्स इक्वल टू 1 लूमेन पर मीटर स्क्वायर, ये होता है 1 लक्स इक्वल।